सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। दलित भाईचारे के बंद के बाद आज जनरल व ओबीसी संगठनों द्वारा पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज पूरे भारत में दुकानें स्कूल आदि बंद करवाए गए थे। वहीं आज राजपुरा शहर में भी सुबह से ही जनरल व ओबीसी संगठनों ने स्कूल कॉलेज व बाजारों में जाकर इस बंद को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। जहां इस बंद का असर सिर्फ राजपुरा शहर में दिखाई दिया, वहीं शहर के बाहर आउटर एरिया में बने स्कूल दुकानें आदि खुले होने का समाचार भी प्राप्त हुआ था। इस बंद का समर्थन राजपुरा की नई अनाज मंडी के आढ़तियों ने भी खुलकर किया, जहां उन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर एक जगह पर इकट्ठे होकर इस बंद का समर्थन किया। ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये राजपुरा के बाजारों की हैं, जो इस समय बंद के कारण पूरी तरह बंद दिखाई दे रही हैं। आपको दिखाते हैं कि संगठनों द्वारा सुबह कैसे स्कूलों में जाकर स्कूल प्रबंधकों को स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद कुछ स्कूलों ने इस बंद का समर्थन करते हुए स्कूलों में तुरंत छुट्टी कर दी। सारे स्कूल बंद हो गए जी। और ऐसी कोई गुड मॉर्निंग सर, सर ये मेरे पास है ना सभी चलो छुट्टी चलो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं इस बंद का समर्थन कर रहे उक्त संगठनों के पदाधिकारी। सारे जनरल समाज के बंदे इकट्ठे होके सारा राजपुरा बंद करवा रहे हैं। अभी सारे रिजर्वेशन के खिलाफ हाँ। रिजर्वेशन के बीच उन्हें रिलैक्स करना चाहिए है, जिहड़े बच्चे साढ़े पढ़े लिखे बच्चे अनपढ़ बच्चों के सामने फेल हो जाने हैं जाके, उन्होंने होर तरह की रिजर्वेशन दो, आर्थिक मदद दो, जो मर्जी हो, लेकिन रिजर्वेशन पूरा खत्म कर देना चाहिए। जो बंद लोड़ हैगी रिजर्वेशन की उन्होंने अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो IAS IPS बन गए पंजीआ तो बने हुए हैं उन्होंने बच्चों को रिजर्वेशन किस वास्ते दी जाती है? जो सा गरीब बच्चे हैं वो कितने जाएंगे? बंद किन्ने बजे तक रहेगा? अज 2 बजे तक। पूरा भारत बंद हो रहा है, जो साडे पढ़े लिखे बच्चे ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਸ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕਾਟਾਗਿਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਜਗਦਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
असी आरक्षण का मूलता विरोध नहीं करते, पर असी वकालत करते हैं कि जिहड़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चंद परिवार आरक्षण ले जा रहे हैं उन्होंने आरक्षण बंद होना चाहिए है। जिन्होंने आरक्षण की जरूरत है उन्होंने आरक्षण मिलना चाहिए। जाति के आधार से आरक्षण पूरा बंद होना चाहिए। इस आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए है। वो चाहे किसी भी जाति किसी भी संप्रदाय तो संबंध रखता होए जिहड़ा जेनुअन होए। बंद का ऐलान किया गया है, किस तरह चल रहा है, किस तरह पुलिस कंट्रोल कर रही है इस चीज़ नूं, ते उस बारे थोड़ी जी जानकारी। पब्लिक इकट्ठी हुई थी इतने थोड़ी सारे भी कहते अभी बंद कराना, पहला कोई मैसेज नहीं थी भी बंद कराना है या करना है, हुण ये अपने बंद करा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अपना पुलिस किस तरह कंट्रोल कर रही है, किस तरह पेट्रोल कंट्रोल है भी अभी किसी को धक्के कोई बंद नहीं कर देवे। हाँ जी हाँ जी। शरारती कोई धक्के किसी दुकाना बंद कराऊगा या अच्छा जी तो उन्हें बंद नहीं कर देवे ना ही अभी माहौल खराब होने देवे। सर कि फोर्स लानी पैगी एट ए टाइम एकदम साढ़े को थाने की है 100 मुलाजम है क्या साढ़े लाया हुआ शहर के। अच्छा जी। तुम पब्लिक को आश्वासन देंगे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी उ पब्लिक को सारे दस रहे भी कोई किसी भी प्रॉब्लम आया अभी थोड़े लिए हाजिर हाँ किसी भी शरारत नहीं करन दी जाऊगी। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।